रूल नंबर सेकंड, नंबर सेकंड क्या कहता है कि यहाँ लिखा है क्या, एवरीडे रूल पढ़ते हैं ठीक है। रूल नंबर सेकंड कहता है अगर कोई चीज़ हर रोज़ होती है, जिसको हम कहते हैं कि कोई चीज़ आदत में है ठीक, या कोई चीज़ जो फिक्स है, सपोज़ कि कोई ट्रेन जबलपुर से भोपाल जाती है, जनशताब्दी एक्सप्रेस डेली जाती है, भले लेट जा रही है मगर डेली जाती है, ये सत्य है, उसका फिक्स टाइम है, तो उस टेंस में भी मतलब जो भी कोई इवेंट है, कोई फिक्स चीज़ें हैं जो हो रही हैं, लगातार हो रही हैं, आंखों के सामने हो रही हैं, मगर वो फिक्स हैं, उन सभी को सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाएगा। जैसे अभी मैं एवरीडे की बात करता हूँ ठीक है, तो तुम्हें एक सिंपल ट्रिक बता देता हूँ कि अगर तुम्हें सेंटेंस में कभी भी ठीक है, सेंटेंस में एवरीडे लिखा मिले, ऑलवेज लिखा मिले, सेल्डम लिखा मिले, ऑफन लिखा मिले ठीक है, या एवरी के साथ में कुछ भी लिखा मिले, एवरी वीक मिले ठीक है, एवरी कोई फेस्टिवल मिले, दिवाली मिले, या एवरी के साथ कोई मंथ मिल जाए, ये अगर तुम्हें सेंटेंस में दिखते हैं ये शब्द, तो आँख बंद करके वहाँ पर उपयोग होगा जो टेंस वो होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस, मेरी गारंटी है ठीक। कैसे, कोई चीज़ आदतन है ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन जो आता है, ही ब्लैंक टू जिम एवरी डे, ऐसे मिलेगा क्वेश्चन, खाली स्थान, ऑप्शन में रहेगा गो इज गोइंग ठीक है, सी गोज, और डी गो की सेकंड फॉर्म होगी वेंट ठीक। तो अब तुम्हें ये देखना है कि इस पहचान है ये एवरीडे, इस एवरीडे को देख के मैं समझ गया कि यहाँ पर जो टेंस भरा जाना है वो टेंस भरा जाना है सिंपल प्रेजेंट टेंस, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस ए आई एस, ऑब्जेक्ट। तो मैंने देखा कि मेरा सब्जेक्ट जो है वो ही है, तो ही के साथ मुझे गो वर्ब भी दे दी इन्होंने सभी में, एस या ई एस का प्रयोग करना है, यहाँ आ जाएगा ही गोज टू जिम एवरी डे। तो ये था रूल नंबर सेकंड, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और पूरी गारंटी है कि आगे भी आएंगे।